नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको BPM बटर पनीर मसाला की रेसिपी बता रहे हैं, तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बटर पनीर मसाला बनाना सिखाएंगे हम आज आपको। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे कैसे आप रेस्टोरेंट जैसा बटर पनीर मसाला घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हो। सेम वैसे ही टेस्ट कैसे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आप घर पे ला सकते हो, इसके बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे हम आपको। ठीक, तो चलो आइए ऐसे टेस्टी और स्वादिष्ट बटर पनीर मसाला बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाया जाए बटर पनीर मसाला। ये देखिए बहुत ही लजीज। तो सबसे पहले हम ने ग्रेवी लिए, जो प्याज टमाटर को अच्छे से बारीक पीस के बना रखी है। उसके बाद पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को बड़े बड़े भाग में चॉप करके फ्राई कर लिया है। ये देखिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें बटर ऐड करेंगे अमूल का। उसके बाद जीरा ऐड करेंगे, जीरे को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद राई, थोड़ा सा राई लिया है, इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छे से बटर के साथ। देखिए हमारा ब्राउन होने तक। उसके बाद हम ग्रेवी ऐड करेंगे, इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं डालेंगे हम। ये ग्रेवी हमने जो पहले बना के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे बटर में। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमने ग्रेवी ऐड कर दी। इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको फ्राई करेंगे बटर में। ये हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है बटर में। हल्के हल्के गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसको हल्का हल्का पकाते रहेंगे। धीरे धीरे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी और ऑयल छोड़ देगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक की मात्रा कम ही रखना है, ऑलरेडी हमने ग्रेवी में नमक ऐड कर रखा था। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया, इससे हमारा टेस्ट अच्छा और स्वादिष्ट बन जाता है। किचन किंग पुष्पका किचन किंग ऐड किया है। उसके बाद हमने मैजिक मसाला पुष्पका मैजिक मसाला ऐड किया है। आप मैगी मसाले का भी यूज़ कर सकते हो, इससे हमारा पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें हमने कोई मिर्च मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं की है, क्योंकि ये कम बिल्कुल बिना मिर्ची का बनता है हमारा बटर पनीर मसाला। बच्चों के लिए अक्सर कम मिर्ची में ही बनाया जाता है। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक हमारा पनीर बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। उसके बाद हमने जो पनीर फ्राई किया थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए पनीर हमने अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है और सबको मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से पनीर और ग्रेवी को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक निकाल ले लेंगे इसका अच्छे से, और हमारा पनीर उसके बाद बनके तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी और लजीज पनीर बन रहा है हमारा आज। बड़ी आसान विधि है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान रेसिपी हमारी। बटर पनीर मसाला बनाना सिखा रहे हैं आज आपको हम। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रोज़ हमारे नए नए वीडियो देखना। हम रोज़ नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं और रोज़ नए नए आपको सीक्रेट बताएंगे। धन्यवाद।